आपके साथ बुशरा और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम के अनुसार आज राजधानी रायपुर में वो रहने वाले हैं। मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित संकल्प शिविर में शिरकत करेंगे। रायपुर उत्तर में 2 बजे आयोजित संकल्प शिविर में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम में आज वो राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। मेरी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस आज से शुरू करेगी संकल्प शिविर अभियान। प्रदेश भर के 90 विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे शिविर। रायपुर पश्चिम विधानसभा से शुरू किया जाएगा संकल्प शिविर। दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी नेता इसमें शामिल होंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रही है, कांग्रेस आज से संकल्प शिविर अभियान चला रही है। आज से संकल्प शिविर अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर के 90 विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे ये शिविर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, संकल्प शिविर लगाया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्या अपडेट इससे जुड़े आपके पास? देखिए बुशरा, जब 2018 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का संकल्प शिविर हुआ था और उसमें लगातार माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, और 2018 के विधानसभा चुनाव में संकल्प शिविर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कांग्रेस के जीत में, बम्पर जीत कांग्रेस को मिली थी, और जानकारी के मुताबिक लगभग 85 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने संकल्प शिविर किया था। वहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात की थी, वहाँ पर जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और आज से फिर 2023 विधानसभा चुनाव के पहले आज से संकल्प शिविर की शुरुआत कांग्रेस विधिवत तौर पर करने जा रही है। रायपुर पश्चिम विधानसभा से संकल्प शिविर की शुरुआत हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संकल्प शिविर होगा कांग्रेस का। लगभग 11 बजे से ये पूरा शिविर शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और अभी वर्तमान में जो रायपुर पश्चिम की सीट है वो कांग्रेस के पास है, विकास उपाध्याय वहां से विधायक हैं। और आज से जो शुरुआत के बाद हर विधानसभा में 90 विधानसभा में ये संकल्प शिविर करने का टारगेट रखा गया है, और माहौल बनाने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस की होगी। कार्यकर्ताओं को सभी बड़े नेता टिप्स देते नजर आएंगे चुनाव को लेकर, और 2018 के संकल्प शिविर में जिस तरीके से बात रखी गई थी उसको भी इस संकल्प शिविर में दोहराया जाएगा। और रायपुर पश्चिम के बाद शाम को ही रायपुर उत्तर विधानसभा में संकल्प शिविर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। तो ऐसे क्रम अब लगातार चलता रहेगा, हर विधानसभा में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह संकल्प शिविर होगा। जाहिर है हेमंत, संकल्प शिविर ऐसा संकल्प की जनता के सामने अपनी बातों को पहुंचा सके कांग्रेस, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका सीधा सरोकार कहीं ना कहीं घोषणा पत्र से भी है। तो घोषणा पत्र की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वो जनता तक पहुंचाने को लेकर के कोई स्ट्रैटेजी अलग से जो विधायक है उनके उनके इलाकों के उन्हें किस तरीके से इसको लेकर के जिम्मेदारी देती नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, संकल्प शिविर करने का उद्देश्य कांग्रेस का यही है कि किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए, और कार्यकर्ता फिर
जाकर लोगों के बीच सरकार के कामों को बताए। इस तरीके से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती रहती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोषणा पत्र को लेकर। कांग्रेस का ये लगातार दावा है, सरकार के मंत्रियों का दावा है कि 36 जो वादे किए गए थे 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जन घोषणा पत्र में, उस 36 में से 34 वादों को उन्होंने पूरा किया है। और हालांकि बीजेपी ने भी गिनाए थे सरकार के कामों को, तो सीधे तौर पर निर्देश यही दिया जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं को, उनको संकल्प दिलाया जाएगा कि फिर से आप दोबारा सरकार बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत अपने अपने इलाके में जाकर करें, जनता को बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर काम किया है। तो ये जो संकल्प शिविर है उसका कितना फायदा इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा वो परिणाम ही बताएगा, लेकिन पूरी तरीके से कवायद उससे पहले कांग्रेस की ओर से हो रही है कि किस तरीके से दोबारा सत्ता में यहाँ पर काबिज हो। और जैसा कि इसका नाम संकल्प शिविर अभियान है और आपने बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा भरने का काम यह संकल्प शिविर करेगा, लेकिन क्या अपने ही कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कोई जादुई आंकड़ा की बात अभी तक कांग्रेस कहती नजर आई है? क्योंकि पिछले दफे ये जो स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं की थी, तो इस बार कांग्रेस कोई आंकड़ा पेश कर रही है? देखिए बुसरा, पिछली बार बीजेपी ने आंकड़ा दिया था 65 पार का, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो चौंकाने वाले थे। एक तरफा चुनाव हुआ था, कांग्रेस को एक तरफा सीटें मिली थी और बीजेपी 14 सीट तक सिमट गई थी। और इस बार अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस के कई नेता, चाहे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हों, स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे हों या कोई अन्य मंत्री हों सरकार के, यही कह रहे हैं कि इस बार 75 के पार, यानी 75 का पार का आंकड़ा यहां पर दिया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं को इस संकल्प शिविर में पूरे आंकड़े के साथ हर नेता संबोधित करता नजर आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम सीनियर लीडरों की वहां पर उपस्थिति होगी, सब बारी बारी से अपना पक्ष रखेंगे, अनुभव साझा करेंगे। 2018 में जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस ने लड़ा उसका भी जिक्र यहां पर होगा। तो पूरी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संकल्प यहां पर दिलाया जाएगा, ऊर्जा उनमें भरी जाएगी ताकि आप अपने इलाके में जाकर चुनाव लड़ें, बूथ मैनेजमेंट संभालें, क्योंकि बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था कि लगभग सभी बूथों पर कांग्रेस काफी मजबूत हुई थी, कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की थी। उलट बीजेपी की बात करें तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी जिस तरीके से खुलकर सामने आई थी, परिणाम में वो नजर आया। तो बूथ मैनेजमेंट पर भी फोकस यहाँ पर होगा संकल्प शिविर के जरिए। चलिए हेमंत, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।